नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के पेट केयर कार्यक्रम के अंक में। दर्शकों, हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे ज़्यादा अगर पूजा जाता है, हम सबसे पहले मानते हैं, तो जी हाँ, वो है गौ माता। गौ माता जो कि हमारे परिवार का मुख्य अंग कहलाती है, हमारे किसान की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। हमारी खेती किसानी में सबसे पहले हमें गौ माता की ही याद आती है, उसी के कारण आज हम जिंदा हैं। और कभी कभी देखने को ये मिलता है कि हमारे जो किसान भाई हैं या फिर जो गौ पालक हैं, जब भी हमारी गाय दूध देने लायक नहीं बचती है तो उन्हें ऐसे ही सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। इनकी रक्षा किस प्रकार से की जाएगी, साथ ही साथ इनमें एक रोग बहुत ही भयावह फैला होता है, वो है लंपी रोग। लंपी रोग से हमारी गौ माता की रक्षा किस प्रकार से की जाए, लक्षण, उपचार और किस प्रकार से इसकी देखभाल की जाए, इसी विषय में आज हम आपको जानकारी देने के लिए आए हैं। तो चलिए, आज हम इस विषय में आपको मिलवा रहे हैं हमारे वेटनरी डॉक्टर, जो कि डॉक्टर मनीष अहिरवार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ दर्शकों, आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगी हमारे एक ऐसे गौ रक्षक, गौ पालक से, जो कि बरसों से गौ को बचाते आए हैं, सड़कों पर इनकी उपचार करते आए हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं। यह है विजय बाथम जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे डॉक्टर साहब के पास में, और डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि जो ये गायों के अंदर लंपी रोग है, इसका इतिहास क्या है? मैडम, एक्चुअली क्या है, हर चीज़ का एक इतिहास होता है और वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से जैसे लंपी जो रोग है, उसका इतिहास भी बहुत पुराना है। लगभग 1929 में ये बीमारी देखी गई थी, जो कि जामनिया में देखी गई थी, और वो दक्षिण अफ्रीका में आता है। अभी इसके आगे अगर ये जो बीमारी हुई है, जो इसके बाद 1929 के बाद ये 2012 में देखी गई, जो कि रूस है, यूरोप है, कजाकिस्तान है, इनमें ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी। उसके बाद धीरे धीरे ये 2019 में जो हमारे एशियाई देश हैं उनमें देखी गई, उनमें जैसे हमारा भारत भी शामिल है, और भारत में ये बीमारी उड़ीसा राज्य में सबसे पहले देखी गई है। और अभी अगर हम फिलहाल की बात करें तो राजस्थान है, कोटा है, इनमें जो बीमारी जो है बहुत सारा ये एनिमल को अफेक्ट कर रही है। और अगर मोटे मोटे तौर पे हम बात करें तो हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, अधिकांश राज्य इस बीमारी से ग्रसित हैं, और उनमें सभी राज्यों में ये बीमारी देखने को मिल रही है। जी जी जी, तो चलिए हम बात करते हैं विजय जी से। विजय जी, आप गौ रक्षक हैं, कितने सालों से आपने ये गायों की जो आपने देखभाल करने शुरू की, सड़कों पर आपको मिलती हैं, कितने सालों से आपने ये काम करना शुरू किया और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैम, हम तकरीबन 10 साल से गौ सेवा कर रहे हैं, और जो भी रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट वगैरह हम 10 साल से कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम भी नॉर्मली गाय को देखते थे, पर एक दिन हमारे साथ ऐसा हुआ कि एक गौ माता 20 फीट गहरे नाले में गिर गई थी, और सभी लोग देख रहे थे, हम भी उनमें से एक थे। लेकिन हमारे मन में आया तो हमने उन्हें नाले में जाके निकालने का प्रयास करा, और इन सब चीज़ों मतलब पहला रेस्क्यू था हमारा, तो इन सब में हमें 1.5 से 2 घंटे लगे गौ माता को बाहर निकालने में। और फिर हमने उन्हें बाहर निकाल के जो भी उपचार था, छोटी मोटी चोट थी उसमें बीटाडीन वगैरह लगाया। पहला रेस्क्यू था तो हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने अपने प्रयास किया जी। और गौ माता को बाहर निकाला, उन्हें उपचार किया, बाहर निकाल के नहलाया वगैरह, पर कुछ देर बाद हमने उन्हें एक साइड में बांध दिया था ताकि वो नॉर्मल हो जाए, पर कुछ समय बाद उनके मुंह से झाग आने लगा जी। तो हम थोड़ा सा घबरा गए क्योंकि हमारा पहला रेस्क्यू था। फिर हमने तुरंत वहाँ एक पर्सनल ऑटो करके पशु चिकित्सालय गौ माता को पहुँचाया। वहाँ पर डॉक्टर ने हमें बताया कि इनके पेट में नाले का पानी चला गया, इस कारण से ये सामान्य मतलब इनके मुंह से झाग आ रहा है। कुछ समय रुकने के बाद वो गौ माता एक्सपायर हो गई, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद से हमने निरंतर ये मन में ठान लिया कि हमें गौ माता की रक्षा करना है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमें बताया गया है कि ये हमारी माता है जी। और इनकी रक्षा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर गौ माता नहीं रहेंगी तो देश नहीं बचेगा। बिल्कुल। तो हमने प्रयास करना शुरू किया। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद एक और रेस्क्यू मिला, उसके वो अब बच्चा देने वाली थी गौ माता, तो हमने उन्हें एक सुरक्षित जगह एक आंगन में रखा, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। तो कुछ समय बाद उनने बच्चे को जन्म दिया, पर वो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गई, तो हमने पर्सनल डॉक्टर बुला के उनका इलाज करवाया। इलाज 2 दिन तक चला, पर ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण उन्हें भी पशु चिकित्सालय रेफर करना पड़ा।
शाम को हमने उन्हें रिफ़र करा, उसके बाद बच्चा हमारे पास ही था, उसके दूध की व्यवस्था कराई। छोटा बच्चा था तो गाय का दूध ही चाहिए था उसे, तो हमने अरेंज करा। उसके बाद जब हम 10:30 के लगभग हम पशु चिकित्सालय गए, तो गौ माता तब तक जीवित थी, उन्हें हमें देखा, फिर हम वापस बाहर आके अंदर गए तो वो हमारे सामने फिर एक्सपायर हो गए। यहाँ से ये आपको बहुत प्रेरणा मिली, जी आपके मन को आहत हुआ कि नहीं, हमें इनके लिए कुछ जी जी करना जी चाहिए। जी उसके डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है इसको भारत में कब से देखा गया और क्या इसका क्योर जरूरी है, मतलब हो सकता है गौ माता बच सकती है? बिल्कुल, ये जो भारत में जो देखा गया वो 2019 में हमने देखा था उड़ीसा राज्य में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और उस टाइम के बाद सभी राज्यों में ये बीमारी, ये जो हमारी गौ माता हैं इनको सभी में मतलब ये बीमारी होती जा रही है। इसका क्योर जो अगर जो भी हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके द्वारा हम इनका मतलब लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जी जिसकी वजह से उन्हें जागरूकता मिले कि इस चीज़ के कैसे उपचार कर सकते हैं, कैसे इसे बचाव कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे मान लो कि अगर किसी गांव में हमने कोई बीमारी आई है, तो उस बीमारी से पहले तो हम उसे वहाँ पे गांव में जाके, ग्राम पंचायत में जाके, या फिर जो भी वहाँ पे जो पशु चिकित्सालय में जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे जाके उनको सारे गांव को एक कैंपेन हम स्टार्ट कर सकते हैं। और कैंपेन से हम सारे लोगों को बता सकते हैं कि भाई हम कैसे ऐसे मतलब अपने पशु को बचा सकते हैं, इसमें आप क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, इस तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते जी, हैं। सबसे पहले लक्षण क्या दिखाई देते हैं डॉक्टर साहब? देखिए कि इस बीमारी में जो लक्षण हैं तो बहुत सारे लक्षण हैं जिससे कि हम पता कर सकते हैं, जो हमारे पशुपालक भाइयों हैं वो देख सकते हैं कि ये बीमारी आखिर लंपी ही है। जी उसके कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि अगर पर्टिकुलर जो बुखार आता है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है। जी 41 डिग्री सेंटीग्रेड जब हो मतलब जो पशु होता है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको बुखार होता रहता है और एक वीक तक ये बुखार चलता रहता है। इसके बाद शरीर में आप देखेंगे कि त्वचा के नीचे छोटे छोटे से दाने भी निकल आते हैं। अब वो ये दाने होते हैं वो धीरे धीरे हो सकता है कि बड़े आकार में आ जाएं, और इनकी जो जो गांठें होती हैं वो 2 से 5 सेंटीमीटर तक हो सकती हैं। हो सकता है कि वो पूरे शरीर पे भी हो, और हो सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पर हो सकता है कि वो गर्दन पे भी हो सकती हैं, हो सकता है कि वो जन्ना अंगों पे भी हो सकती हैं, हो सकता है कि वो थन में भी हो सकती हैं, आपके मुंह में भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से जो गांठें होती हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये मतलब लम्पी के लक्षण में ही है। और अगर मतलब जैसे कुछ पशु होते हैं उनके पैरों में सूजन आ जाती है ना, जानवर है वो दूध देना कम कर देता है, खाना पीना छोड़ देता है, तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं इसमें लम्पी में हमें देखने को मिलते हैं। जी चलिए, ये तो हमने बात की लंपी की। विजय जी, आप ये बताइए कि जब आपके पास में कोई कॉल आते हैं, आप जी सड़कों पर देखते हैं कि गौ जी माता को कुछ लगी हुई है, तो सबसे पहले आपका क्या प्राथमिकता रहती है? क्या अपने साथ में आप फर्स्ट एड किट लेकर चलते हैं, उनके खाने पीने का सामान, आप क्या जी करते हैं? मैम, जैसे हमारे पास कॉल आता है तो पहले हम उनसे कंसल्ट करते हैं कि दिक्कत क्या है। जैसे अगर वो बताते हैं कि एक्सीडेंट हुआ या ज़्यादा हुआ है, थोड़ा कम अगर घाव होता है तो हम हमारे पास फर्स्ट एड रहता है जी तो हम उसको साथ में लेके चलते हैं, फिर हम वहाँ जाके उपचार कर देते हैं। अगर कुछ ज़्यादा स्थिति गंभीर होती है तो फिर हमें पशु चिकित्सालय पहुँचाना पड़ता है, तो नगर निगम की गाड़ी बुलाकर हम गौ माता को पशु चिकित्सालय पहुँचाते हैं, वहाँ डॉक्टरों से बात कर लेते हैं कि ताकि जल्दी उपचार हो सके। जी इस तरीके से हम दिन भर में हमारे पास 25 से 30 कॉल आ जाती हैं, अरे वाह, जी, तो ऐसे ही हमारी टीम भी है तो जी हमें दिक्कत थोड़ी कम होती है। शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें हुई जी 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 लेकिन अब हमारे पास टीम भी है, हमारे बड़े भाई लोग हैं जो भी हैं संपर्क, तो हमें फ़ोन पे आधी मदद हो जाती है, बाकी हम खुद जाकर ट्रीटमेंट करते हैं। और जैसे कि सर ने लंपी का बताया तो हमारे लिए भी लंपी नया था हाँ क्योंकि हम जी 10 साल से ही काम कर रहे थे तो हमें इसकी जानकारी नहीं थी। 2019 में हमने भी पहली बार केस देखा जी तो हमें भी नहीं पता था क्या करना है, तो हमने वेटनरी डॉक्टरों की मदद से उनका इलाज किया। और 2019 में तो काफ़ी हद तक हमने सारी गाय सही कर दी थी जो भी हमारे पास आए थे, अच्छा जी पर इस समय स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी अच्छा जी भोपाल में जगह नहीं है वेटनरी हॉस्पिटल में जी जी रखने के लिए। जी 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 पिछले हफ्ते काफ़ी गंभीर केस आया था जिसका हम इलाज करते करते वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गए थे जी 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 डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि क्या इस बीमारी के कोई खास किस्म के जानवरों को ही होती है या सभी प्रकार में होती है? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम कि मतलब हमें पता होना चाहिए कि हाँ क्या मतलब सभी जो जानवर होते हैं उनकी एक स्टेज होती है। हो सकता है पहले वो बछड़ा हो, फिर हमारे पास जो बछड़ी है वो बड़ी होती है, उससे बड़ी वो माता बनती है, गाय माता बनती है ना।
उसके बाद ये जो बीमारी है, वैसे तो ये जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो गौ माता हैं अधिकांश उनमें ही देखी जा रही है। उसके बाद अगर हम कह सकते हैं कि हमने बफेलों में भी देखा है, भैंसों में भी देखा है, और कभी कभी कुछ जो न्यूज़पेपर हैं उनमें उनके जरिए हमें पता चला है कि मतलब हिरणों में भी इस प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसमें हम बात करें कि जैसे अगर लंपी वायरस है तो ये सभी एज में है, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एज में नहीं है। अगर हमारे पास 0 से लेकर अगर आप बछड़े में भी देख सकते हो और बूढ़ी पशुओं में भी आप इसको देख सकते हो। उसके बाद इसके आगे क्या होता है कि अगर हमने ये देख लिया कि हमारे पास उम्र का इसमें सभी में हो रहा है, आपने किसी भी एनिमल में हो रहा है, लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि किसकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, क्षमता के आधार पर हम उस पशु को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी मेल में है तो फीमेल में नहीं है, फीमेल में है तो मेल में नहीं है। नर और मादा पशु दोनों दोनों ही पशु इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। जी, विजय जी, जब आपके सामने सबसे पहला केस आया तो आपने उसको किस प्रकार से निपटे? मैम, हमने सबसे पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर उसके बाद उसका उपचार किया डॉक्टर द्वारा जो दवाई बताई गई थी उससे। उसके बाद उन मतलब कुछ बैलों को हुआ था हमारे सामने, तो वो अपने आप ही ठीक हो रहे थे। बाकी हमने उन्हें दवाइयाँ दी जी, तो वो जल्दी रिकवर हो गए, अच्छा तो जी, ज़्यादा फैली नहीं। परेशानी नहीं आई। तो जी क्या दवाई आपने अपनी तरफ से कोई दवाई बनाई, उसके विषय में जरा जी बताएं। हमने आयुर्वेदिक दवाई बनाई थी, मतलब किसी से पूछ के ही हमने बनाई थी, पुराने जी लोग जो हैं जी जी जी। उसमें नीम का प्रयोग किया गया था हाँ जी, और उसमें पपीते के पत्ते, काली मिर्च और हल्दी और जीरा और प्याज, ये सब का मिश्रण बनाकर सुबह और शाम खिलाना है 14 से 14 दिन तक, 14 से 15 दिन। तो इसमें भी रिकवरी जल्दी हो रही थी। हमने ज़्यादातर ही आयुर्वेदिक का इलाज किया तो उसमें काफ़ी हमें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने एक आयुर्वेदिक काढ़ा बनाया। जी हाँ, दर्शकों हमारी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्दी लौट कर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों आज के कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से गौ माता को लंपी रोग में लक्षण क्या होते हैं, बचाव किस प्रकार से करना चाहिए, कौन कौन सी सुविधाएं उनको देनी चाहिए, किस प्रकार से उनको सावधानियां बरतकर उन्हें इस रोग से बचाया जा सकता है। तो चलिए इसी विषय की जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वेटनरी डॉक्टर जो कि मनीष अहिरवार जी। मनीष सर, आप ये बताइए कि किस प्रकार से ये जो अगर लक्षण दिखाई दे गए तो क्या खान पान में कुछ विशेष एहतियात बरतना चाहिए या जो नॉर्मल खाना पाना दे रहा है वो ही दे सकते हैं? आप खाने पीने के लिए चीज़ दे सकते हैं नॉर्मली, जैसे हम लोग हमें मेनली उससे बीमारी में क्या है कि हमें जो एनिमल्स की है, जो पशु हैं हमारे, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब जो इस पशु की प्रतिरोधक क्षमता कम होगी वो पशु उस बीमारी के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होगा। तो हमें सबसे प्राथमिकता इस चीज़ को देनी है कि हमें उसे ऐसा आहार देना है कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ा सकें। जैसे कि हमारे भाई ने बताया है कि जो आयुर्वेदिक इलाज करते हैं वो भी प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करता है, जिससे कि जो हमारे जो जानवर हैं, हमारे जो पशु हैं, उनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता को पैदा करता है। जहाँ तक खाने पीने की आपने बात कहा है मैम, तो जैसे हम जो नॉर्मल डाइट देते हैं, जैसे हम पशु को हरा चारा देते हैं, आहार देते हैं, भूसा देते हैं और जो दाना देते हैं, आप उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना रखें। उसे इस चीज़ की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो वैसे तो इस बीमारी में खान पान छूट जाता है पशु का, लेकिन अगर हम उसे खिला रहे हैं अच्छी से चीज़ें, जैसे गुड़ खिला रहे हैं, तो उस चीज़ से उसका इम्यून बूस्ट होगा। तो इस तरीके से हमें मतलब समाधान करना जी, मतलब कि चाहिए। दर्शकों डॉक्टर साहब ये समझा रहे हैं कि हमें इस बीमारी से डरना नहीं है, हमें बचाव करना है, और जो कि काढ़ा भी है घर के काढ़े से ही हम बचाव कर सकते हैं, अपनी जीव को बचा सकते हैं, उसकी जान बच सकती है। अच्छा मनीष जी, जो विजय जी आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके सामने कोई ऐसा केस आता है तो आप जैसे मान लीजिए कि किसी सड़क पर कोई गौ माता को लग गई है, आप उनको हैंडल, क्योंकि वो तो शरीर उनका बहुत भारी होता है, आपकी टीम उसको किस प्रकार से रेस्क्यू करते हैं उस विषय में बताएं। मैम, पहले तो अगर ऐसा कुछ केस आता है मेन रोड का तो हम उसे पास में रोड से साइड करते हैं। उसके बाद अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट हम उसे देते हैं कि अगर कम चोट होती है तो उसे हम वहीं ट्रीटमेंट करके और छोड़ देते हैं। जी लेकिन अगर ज़्यादा गंभीर होती है तो नगर निगम की गाड़ी को हमें बुलाना पड़ता है, वो पशु चिकित्सालय लेके जाती है। जी और मैम, ये मैं सर से पूछना चाहूँगा कि जैसे लंपी में खाना नहीं खा पा रहे हैं, हमने भी कई केस आए तो नहीं जी खा पा रहे हैं वो खाना, जी मतलब मुंह नहीं चला पाते जी हैं जी पशु, जी तो फिर कैसे उनको वो करा जाए? जी क्योंकि बहुत हमने ही अच्छी बात है बहुत जी सारी डॉक्टर साहब। चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे हम जैसे मान लो कि जैसे हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं,
तो हम ग्लूकोज की बॉटल चढ़वाते हैं जी। और ग्लूकोज की बॉटल से क्या होता है तो उसकी एनर्जी मेंटेन बनी रहती है। जी। तो अगर हम जैसे कोई हम जैसे जैसे आपने देखा है कि हम कोविड में क्या कर रहे थे, हम कोविड में गिलोय वगैरह का पत्ती की जी। यूज़ कर रहे थे, है ना, हम आंवले का चूर्ण उपयोग कर रहे थे, हैं, उस तरीके से अगर हम चीज़ों को खिलाएं। और जैसे आपने मैंने बताया कि आपको आपने ही बताया कि अगर हम जैसे इम्यून बूस्टर की तरह के लिए जैसे हल्दी है आपकी, आपका काली मिर्च आपने बताई है, जी जी आपने गुड़ बताया है ना, इस चीज़ के लिए अगर आप उसके लड्डू बना के मतलब पशु को खिलाएं कि उसे जो पसंद होता है ना, तो उस चीज़ के लिए वो थोड़ा सा मन अच्छा करता है और खाता है और बीमारी नॉर्मली वो रिकवर हो जाता है। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि अगर वो पशु में है बीमारी तो व्यक्तियों में भी आ सकते हैं, इंसानों में भी, ये कितनी ठीक है? एक्चुअली ये मैडम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस बीमारी क्योंकि भ्रांतियाँ ही मतलब अगर किसी व्यक्ति में जागरूकता नहीं है तो वो भ्रांतियों का रूप ले लेता है। तो अगर हमें किसी बीमारी के प्रति, क्योंकि हमने ये देखा है गांव में जब लंपी वायरस आया था तो बहुत सारे जो हमारे पशुपालक भाई थे वो गायों को मतलब छोड़ दे रहे थे कि हो सकता है कि उन्हें भी ना आ जाए, क्योंकि कुछ ऐसी जो सोशल मीडिया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसी अफवाहें फैला देते हैं कि मतलब ये बीमारी जानवरों से हमारे पास इंसानों में आ रही है। तो हालांकि मैं ये चीज़ बता दूं आप सभी को कि लंपी वायरस एक संक्रमण रोग है जी। मतलब छुआछूत की बीमारी है, इसमें जेनेटिकली जैसा कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला है, अतः ये बीमारी जानवरों से इंसानों में नहीं आएगी, हैं, अभी तक तो एक भी कोई केसेस नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि अगर हम थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है, हमें उस जानवर के प्रति मतलब स्नेह रखना है, हैं, और कुछ लोगों में ये भ्रांतियाँ भी हैं कि मतलब उसका दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो अगर बीमारी है तो मतलब बीमारी है तो आप उस दूध को ज़रूर उपयोग कर सकते हैं, आप उबाल दीजिए उस दूध को, दूध कच्चा ना पिए, और इसी तरीके की जो भ्रांतियां हैं वो मुझे समझ में आता है कि इस चीज़ के लिए लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है। जी, बहुत अच्छी बात है। विजय जी, अगर आपके पास में कोई ऐसी गौ माता है जिन्हें कि अगर ये लंपी बीमारी है तो क्या आप उनको बिल्कुल अलग बाड़े में रखते हैं, दूसरों के साथ में रखना कितना हितकर है कितना नहीं? मैम, हमारे पास जैसे कोई भी केस आता है लंपी का तो पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि हम रोड पे इलाज करते हैं, तो हमारे पास ऐसी कोई भी जगह नहीं। अच्छा। अगर एक केस है तो हमारे पास वो ही रहती है, लेकिन अगर किसी के पास ऐसा केस है जिसके पास और भी गायें हैं और एक गाय को लंपी हो गई है तो उसे थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, क्योंकि संक्रमण फैलता है। ठीक है। तो मक्खियों द्वारा भी ये इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है, तो उस गाय को अलग ही रखना चाहिए। बाकी दूसरी गाय को ना फैले तो उसे भी आप ये जो मैंने काढ़ा बताया था वो आप पिला सकते हैं, तो थोड़ा बचाव हो सकता है इसका। जी 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 डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कि हमारे जो गौपालक हैं, जो किसान भाई हैं जिनके पास में गौ माता है, उनकी गाय को ये बीमारी हो ही गई है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम सभी किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि इस बीमारी का बचाव ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हमारे क्षेत्र में सबसे पहले लंपी का आप टीका लगवाएँ। अगर आप टीका लगवाते हैं और उसके बावजूद भी अगर कहीं कुछ हो जाता है ऐसे, तो उस पशु को आप जितने भी आपकी स्वस्थ पशु हैं उनसे सबको अलग कर दें, अलग करना है। उसके बाद ये जो हम जितना ट्रीटमेंट कर रहे हैं या हम जितना उसके खाने के लिए दे रहे हैं या उसके साथ जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो उसे हम अलग तरीके से उस चीज़ को देख सकते हैं। अगर बचाव और भी है कि जैसे अगर हमारे यहाँ कोई बीमारी आ रही है तो हम लोगों को जागरूक करें कि मतलब अगर आपने देखा होगा कि गांव में बहुत सारे अपने जानवर होते हैं कि मतलब चरने के लिए एक ही जगह छोड़ देते हैं। अब छोड़ने का क्या है कि मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे हो सकता है कि मेरे जानवर बीमार हैं और हो सकता है सामने वाले के जानवर बीमार नहीं है। तो एक स्वस्थ जानवर एक जब संक्रमित जानवर के साथ एक ही जगह जाएगा तो वो सारी बीमारियाँ उसमें आ सकती हैं, क्योंकि इस बीमारी को जो फैलने के लक्षण हैं वो आपको मतलब जो संक्रमित पशु है उसके सेलाइवा में, लार्वा में भी इसके जो वायरस है वो देखा गया है। आपने कभी कभी आप कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं या फिर मतलब नेचुरल सर्विस होती है, तो जिस नर पशु को अगर ये बीमारी हुई है तो उसके वीर में भी इस के जो वायरस है उसे भी देखा गया है। तो इस तरीके से अगर इन सारी चीज़ों से हम बचाव करें, और तीसरी चीज़ ये भी है कि अगर हमें बचाव करना ही है तो आजकल हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, जी। क्योंकि इसमें जो मक्खी है, मच्छर मक्खी है, वो वेक्टर की तरह काम करते हैं। और एक पशु जो बीमार है, अगर उसके जो फोले हैं या फफोड़े हैं वो फूट जाते हैं, तो उसमें अगर मच्छर या मक्खी बैठ जाती है उस पर, तो वो क्या करती है, उसके ब्लड को चूसती है, उसके रक्त को चूसती है। अब वो जाके सीधे अगर आपने क्वारंटाइन कोई किया है
कोई एनिमल, मतलब अगर आपने अपने बाड़े में कोई जानवर रखा भी है तो वो मच्छर या मक्खी उस जानवर पे जाके उसके ब्लड को चूसेगी, तो वो जो वायरस है वो सामने वाले जो स्वस्थ पशु है उसमें भी जा सकता है। जी तो ये इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं, इस प्रकार की जो जागरूकता है वो अगर हम फैलाएंगे तो हम 100% इस बीमारी से बचाव अपने पशुओं को कर सकते जी हैं। एक्चुअली जिला मैं रतलाम जिले से हूँ मैडम, जी है ना, और वहाँ पे जो रतलाम जिले में भी कुछ पिछली बार हमने केसेस देखे गए थे, तो हमने पहले जो हमारा विकासखंड पड़ता है पिपलौदा, तो हमने वहाँ पे क्या किया कि हमने पूरे जितने हमारे 92 विलेज 94 विलेज आते हैं, तो हमने सारे 6 टीमें बनाई हैं उसमें, और 6 टीमों को हमने पर्टिकुलर विलेज को हमने एक लिस्ट बना के तैयार कर रखा कि ये लिस्ट आपको देखना है, ये लिस्ट आपको देखना है, तो 6 जो टीम बनाई है उनमें सारे गांव को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जी अब उसके बाद जिससे जो मेरे पास है, जैसे मैं वहां पे ब्लॉक ऑफिसर हूं, तो सारे केस मेरे मेरे पास फ़ोन आते थे, तो मैं उन केसों को उनके पास डिलीवर करता था और उनसे बोलता था कि भाई इस चीज़ को यहां पे इनका फ़ोन आया है हमारे पशुपालक भाई का, आप इनके जाके देखिएगा, तो वो लिस्ट बन जाती थी और पर्टिकुलर डेट वाइज आज 20 तारीख है मान लो, या आज 7 तारीख है, कल 8 तारीख को भी उसे वो पर्टिकुलर फ़ोन करेंगे कि आपने हमने जो इलाज किया था उसका कुछ क्या रिस्पॉन्स है, सही हुआ तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर दोबारा जाके वो वहाँ जाके ट्रीटमेंट करते थे। जी उसके बाद अगर दोबारा ही हमारे पास और भी केसेस आते हैं, हो सकता है कि आज 7 तारीख को नहीं है, कल 8 को भी आ सकते हैं नए केस, परसों 10 को भी आ सकते हैं, इस तरीके से हम लिस्ट बनाते थे और पर्टिकुलर रेगुलर विजिट करते थे, इस प्रकार से वो चीज़ें कंट्रोल की गई। जी बहुत ही अच्छी बात है। विजय जी ये बताइए कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई गौ माता आई जिन्हें कि लंपी हुआ और वो नहीं रही, तो इसके बाद में दफनाने की प्रक्रिया में कुछ विशेष सावधानियां आप बरतते हैं? मैम सावधानियां वही अपना मतलब हम नगर निगम की सहायता ही लेते हैं दफनाने के लिए, उनकी गाड़ी आती है और वो लेके चली जाती है, मतलब वो अपना प्रकोशन अपने साथ ही रखते हैं वो जी जो भी लोग आते हैं, जी बाकी जो हमारे धर्म में होता है हाँ जी उस हिसाब से हम उनका प्रोसेस कर देते जी हैं। जी 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 डॉक्टर साहब आप बताइए कि किस प्रकार से अगर करना चाहिए, आप अगर हमारे पशुपालकों को ये बताना चाहें वैज्ञानिक जी तरीका जी क्या? मैडम, ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि आजकल क्या होता है कि हमारे जो पशु मतलब किसी भी बीमारी से भी मरे, है ना, मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सबसे पहला हमें पता होना चाहिए कि उसे दफनाना कैसा है। गांव में क्या होता है कि जो हमारे पशुपालक भाई होते हैं या जो पशु किसी के मतलब पालतू नहीं होते हैं या जो रास्ते में घूम रहे हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो क्या करते हैं, उठा के वहीं आसपास कहीं फेंक देते हैं खुले जी में। जी तो वो खुले में अगर जो हमने जानवर को खुले में फेंक दिया तो क्या होगा, जो चील हैं कौए हैं वो उसको खाएंगे। अब वो खाएंगे तो फिर उसके बाद जो उसके जो वायरस होगा, या मान लो कोई बीमारी से लंपी वायरस से अगर कोई पशु मरा है तो उसका जो वायरस है वो वहाँ से एरोसोल हो जाएगा, मतलब तो हवा में भी इसके फैलने के चांसेस हो जाएंगे, बिल्कुल तो बीमारी और घातक हो जाएगी। तो इसलिए हम सभी किसान भाइयों को ये हमारा सुझाव है कि अगर जो पशु मतलब किसी मतलब डेथ हो जाती है तो उसे उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग एक दूर जगह पर आप गड्ढा करें, मतलब 1.5 मीटर के आसपास आप गड्ढा कर सकते हैं, और उस में आप उस अपने पशु को रख के उसमें मतलब पूरी तरीके से नीचे भी उसके पशु के नीचे भी मतलब ये जो नमक है नमक को अच्छी तरीके से फैला दें, उसके ऊपर भी डाल दें, उसके बाद उसे ढक दें, उसके चारों तरफ आप कीटनाशक जो भी हमारे पास आते हैं घोल है उसका छिड़काव करें, जिसके कि कारण जो बाहर से जो कुत्ते वगैरह हैं या वो चीज़ को ना टच करें। जी तो इस तरीके से हमें अपने पशु को डिस्पोज करना चाहिए। जी विजय जी ये बताइए कि जो पशु हैं उनको बचाने के लिए कुछ जागरूकता आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि गौ माता को बचाने के लिए सभी आगे आएँ, क्योंकि सनातन धर्म में गाय को माँ के समान माना गया है, और धर्म हमें ये बताता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, और अगर गाय नहीं बचेगी तो धर्म भी नहीं बचेगा। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि आगे आएं और गौ माता की सेवा करें और गाय को बचाएं। जी डॉक्टर साहब चलते चलते जल्दी से आप ये बताइए कि क्या टीकाकरण से इस बीमारी का उपचार हो सकता है? जी मैडम, ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि सबसे जो जागरूक वाली चीज़ है कि वो टीकाकरण होना किसी चीज़ की हो मतलब बीमारी से बचाव करने के लिए, हमें सभी पशुपालक भाइयों को हमें अपने पशुओं का टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। और टीकाकरण मतलब जैसे आजकल हम गॉट पॉक्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आप टीकाकरण स्वस्थ पशु में ही करवाएं, किसी भी बीमार पशु में टीकाकरण ना करवाएं, क्योंकि उससे उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी कुछ दिनों के लिए कम हो जाती है, उसके बाद उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता उसके बाद बढ़ती है।
तो अगर कोई पशु बीमार है तो उसे और दिक्कत होने की चांसेस होते हैं, इसलिए स्वस्थ पशु में ही टीकाकरण करवाएं। गॉट पॉक्स की जो हमारे पास वैक्सीन है, हमारे पास जो टीका है, वो सभी अस्पतालों में है। हमारे मध्य प्रदेश से हमारे जो डायरेक्टरेट हैं उन्हें सभी को भेज दिया है, इसलिए सभी लोग टीकाकरण करवा के अपने पशु को मतलब सुरक्षित रख जी सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आप आए और मनीष सर आप आए और आपने इतनी अच्छी हमारे दर्शकों को जानकारी दी, मुझे लगता है कि हमारे जो गौ पालक हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक नए विषय, एक नई बीमारी, एक नए पशु के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।